सुबह 5 बजे से किचन में आ चुकी हूँ और एक तरफ हमने कपड़ा धुलने के लिए लगा दिया है, नींद तो हमारी 4:30 में ही खुल गई थी। तो अब कल बीच परसों होली है, कल होलिका दहन है और आज बेटी आ रही है, तो हमारे घर में तो आज से ही होली की तैयारी शुरू हो जाएगी, लगभग होली ही है। चूँकि अब बेटी आ रही है तो कुछ स्पेशल बनाना ही पड़ेगा। मैं सुबह से ही लग गई हूँ, आने के बाद से किसी के पास थोड़ा उसके साथ बैठना, उसके साथ समय व्यतीत करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं खाने की पूरी तैयारी करके रख दूँगी। वो आएगी तो गर्मा गर्म सिर्फ तो गर्म करके सर्व करना होगा। तो अभी आज मैं बना रही हूँ केले की कोफ्ता, वो मैं बॉयल करने के लिए चढ़ा दूँगी, तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी। केला और आलू को बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है, तब तक मैं चाय पीऊँगी। और अभी दिमाग से उतरा हुआ है, थायराइड की दवा भी नहीं ली हूँ, चलिए याद आ गया तो ले लूँ वरना फिर भूल जाऊँगी। चूँकि बाबू सो रहा है अभी तो वो उठेगा तो चाय वगैरह पीऊँगी, इस बीच में पहले नींबू पानी तब तक मैं ले लूँ। क्योंकि बच्चे जब घर पे आते हैं तो आदमी अपना सब कुछ भूल जाता है। अभी मैं सुबह उठते ही के साथ एक ग्लास पानी और थायराइड का दवा लेने के बाद मैं नींबू पानी लेती ही लेती हूँ। और आज मैं हालांकि भूली नहीं थी, इंतज़ार कर रही थी कि अब, और अभी इस बार लगभग 6-7 साल बाद हम लोग सब परिवार होली में एक साथ होंगे। इसके पहले लास्ट ईयर बेटी थी नहीं, उसके पहले भी बेटी नहीं थी, और लगभग 4-5 साल लगातार हमारे घर में कुछ ना कुछ होता रहा, सासू माँ गुजरी, फिर मम्मी पापा, फिर कोई कोई परिवार में ही ऐसे, तो 5-6 साल तो हुआ ही नहीं। उसके बाद 2 साल हुआ तो बेटी नहीं थी, इस साल बुलवाई हूँ कि त्यौहार में रहना अच्छा लगता है, वरना अगर बाल बच्चे ना हो पास में तो त्यौहार अच्छा नहीं लगता। यही चीज़ जब पहले मम्मी बोलती थी तो हम लोग को लगता था तो तुम लोग क्यों नहीं करती हो, तुम लोग किया करो ना, क्यों नहीं करते हो, अरे नहीं तुम लोग नहीं रहते तो अच्छा नहीं लगता है। सेम चीज़ अब इतिहास अपने आप को दोहराता है, बच्चे नहीं रहते तो मुझे कुछ भी करने को मन नहीं करता, कुछ भी नहीं, ऐसा लगता क्यों आया त्यौहार ना आता। और बेटी आ रही है, बेटा है ही पास में, तो इस बार का त्यौहार थोड़ा लग रहा है, इसलिए थोड़ा अंदर से उत्साह जैसा लग रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। चलिए माता रानी करे सबके घर में अच्छा अच्छा खुशियों के साथ त्यौहार मने। ये देखिए हमारे रूम से ही सूर्योदय का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है, पहली किरण हमारे रूम में आ जाता है। और यहाँ मैं अब कपड़ा चुकी धुल चुकी हूँ तो मैं डाल दूँगी, और इसके बाद से मैं करूँगी स्नान, तब उसके बाद से पूजा वगैरह करूँगी, तब मैं खाना बनाऊँगी।
पूजा पाठ करके मैं हो गई हूँ तैयार। अभी 9 नहीं बजे हैं, 9 बजे तक बेटी का ट्रेन आएगा, तब तक मैं सोच रही हूँ कि कुछ नाश्ता की तैयारी कर लूँ। मैं अभी पनीर टिक्का बनाने के लिए मैरिनेट करके रख दी थी और साथ में कोफ्ता का वो बना ली थी, दो तैयार है, अब उसका बॉल बनाऊंगी। तो बॉल फ्राई करके रख दे रही हूँ, तब तक एक तरफ पनीर टिक्का कर दूंगी। चाय वाय पीते पीते तक मैं तो कुछ नाश्ता बन ही जाना, तो मैं चलिए कोफ्ता की ग्रेवी के लिए मैं बिल्कुल उसी स्टाइल में करती हूँ जैसे शाही पनीर का ग्रेवी तैयार होता है। यहाँ पे मैंने तेल में जीरा, हींग, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, थोड़ा सा काजू और कसूरी मेथी, ये सब डाल करके अच्छी तरीके से भून के जब सॉफ्ट हो जाएगा तो पानी डाल दूँगी और उसके बाद इसे पेस्ट बना के इसकी तैयारी कर लूँगी ग्रेवी तैयार। जब तक ग्रेवी तैयार हो रहा है तब तक दूसरी तरफ मैं यहाँ पर पनीर टिक्का की तैयारी कर ले रही हूँ। यहाँ मैं पहले तवे पे थोड़ी सी तेल लगाने के बाद से पनीर टिक्का को ढक करके पकाऊंगी ताकि अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाए। उसके बाद से मैं इसे गैस तंदूर पे थोड़ी थोड़ी पका दूंगी, थोड़ा क्रिस्पी भी हो जाता है, ऊपर ऊपर क्रिस्पी रहेगा, अंदर में सॉफ्ट लगेगा, टेस्ट ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है। आधे का हमने पनीर टिक्का बना दिया था, शेष पनीर का मैं बना रही हूँ पनीर चिली और साथ में फ्राइड राइस। तो मैं इस पर थोड़ी सी स्टाइल चेंज कर दी हूँ, मैं ये मैरिनेटेड पनीर को ही अच्छी डीप फ्राई करने के बाद से मैं पनीर चिली में डाल रही हूँ ग्रेवी में, और मैं यहाँ पे ड्राई पनीर चिली बना रही हूँ। लगभग सारी तैयारी हो गई और बेटी भी आ चुकी है। यहाँ पे मैं मुक्कू को रोक रही हूँ ताकि भागे नहीं, उसका एक्सप्रेशन देखिए। और ये प्यार है कि क्या है? फ्रेश वगैरह होने के बाद से हाँ अब हम लोग पियेंगे चाय पानी और साथ में कुछ नाश्ता वगैरह, और जो केला का कोफ्ता हमने बनाया था उसी से थोड़ा सा मैंने कटलेट जैसा भी बना दिया था। तो यहाँ पे कटलेट और पनीर टिक्का नाश्ते में कर रही हैं। चाय पानी पीने के बाद से श्रुति सबके लिए कुछ ना कुछ ले करके आई है, मुक्कू के लिए कैल्शियम बोन, बिस्किट, भाई के लिए टी शर्ट और घर के सजावट का भी सामान कुछ कुछ लाई है, कारपेट वगैरह। तो और यहाँ पे मेरे लिए लाई है हरी मिर्च जिसका मैं कल बनाऊंगी पकौड़ा। नाश्ता हैवी हो गया था तो ये लोग फ्राइड राइस वगैरह नहीं खाए और इसे खाने में खा रहे हैं। तो यहाँ मैं अब कोफ्ता को रख दूंगी, अब रात में डिनर में खाएंगे उसी को। इसके पापा भी रात को चले आएंगे तो हम लोग रात को ही कोफ्ता रोटी खाएंगे। यहाँ मैं अब थोड़ा बहुत घर का डेकोरेशन का काम कर लूँ, और सबसे पहले हमने कर्टन चेंज कर दिया है, हल्का कर्टन लगा दिया है, गर्मी के सीज़न के हिसाब से हमने कलर चेंज कर दिया है और इस बार हम ग्रीन और वाइट इस बेस पे ही हर चीज़ लगा रहे हैं। और कुछ सामान बेटी लेकर के आई थी तो उसे भी अब यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन सा कहाँ लगेगा। तो अब मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का सेट कर दूँगी और फिर तो होली के दिन ही होगा। घर की साज सजावट करने के बाद से थोड़ी देर आराम किया क्योंकि मैं भी थक गई थी सुबह से करते हुए, और बेटी तो खैर सफ़र करके आई थी तो वो थकी हुई थी। उसके बाद से माँ और बेटी गए बाज़ार, वहाँ से होली संबंधी कुछ कुछ सामान खरीदनी थी, वो सब सामान लिया। और चूँकि रात में खाना बनाना नहीं था, दिन में बनाया था केले का कोफ्ता जो यूज़ हुआ नहीं था, तो फटाफट गर्मा गर्म रोटियाँ सेक दी और हम लोग रोटी और केला का कोफ्ता सलाद खाना खा लिए। इसी के साथ आज का मैं अपना ये ब्लॉग अब समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सभी को एडवांस हैप्पी होली।